गुड मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और हम इसके क्वेश्चन आंसर भी ट्रू फॉल्स तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं 20 वर्ड्स वाले, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम प्लांट डेट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस प्लांट का नाम बताना है जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम आंसर है, नेम को कट करके आप यहाँ क्या लिख देना, पिक्चर, ठीक है। पिक्चर प्लांट, जो पिक्चर प्लांट होते हैं ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं वो, उनमें क्लोरोफिल भी होता है, तो वो फूड मेक भी करते हैं और क्या है, इंसेक्ट्स को भी ईट करते हैं, इसलिए वो क्या है, हीटरोट्रॉप्स भी है, अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉप दोनों है। तो नेम की जगह पिक्चर प्लांट डेट को भी कट कर देना, तो क्या आंसर हो जाएगा, पिक्चर प्लांट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक लिख देना इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, नेम द ग्रीन पिगमेंट डेट हेल्प्स द लीव टू कैप्चर सनलाइट। जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका क्या नाम है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, क्लोरोफिल, CHLOPHYLL, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आंसर में, यहाँ से आंसर लिख देना, द ग्रीन पिगमेंट डेट हेल्प द लीव टू कैप्चर सनलाइट इज लगा के क्या लिख देना, क्लोरोफिल, ठीक है। व्हाट इज लाइकेन, इसका आंसर पेज नंबर 10 पे है, पेज नंबर 10 पे सिम्बायोसिस वाले पैराग्राफ में, ठीक है। ए लाइकेन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन क्या है, दो ऑर्गेनिज्म को मिला के बनाया हुआ है, एल्गी और फंजाई को, लिविंग एंड वर्क टुगेदर, जो साथ साथ रहते हैं और काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। प्लांट में जो फूड स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है, तो इसका आंसर हो गया स्टार्च, STARCH। क्वेश्चन देखिए 5, व्हाई इज इन द रेनी सीजन डज ए लॉफ ऑफ ब्रेड टर्न ब्लू ब्राउन और ग्रीनिश। बरसात के दिनों में जो ब्रेड का टुकड़ा होता है वो अगर हम एक दो दिन रख पड़ा रहता है तो वो ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू ऐसा हो जाता है ना, तो क्यों होता है, उसका रीजन देना है। तो इसका आंसर बुक में ही मैंने इधर साइड में लिखा हुआ है, ए का 5th आंसर। ये देखिए यहाँ पे, द ब्रेड एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर इन द एयर। ब्रेड क्या करती है, बरसात के दिनों में ज़्यादा ख़राब होती है तो ये जो एयर में जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर ये मॉइस्चर क्या करती है, विच इंक्रीज द मोल्ड स्पोर्स इन द एयर। और फिर ये किसको इंक्रीज करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, जो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं एयर में, उनको इंक्रीज करते हैं टू मल्टीप्लाई के लिए। एंड एज द फंजाई स्टार्ट ग्रोइंग ब्रेड, और जो स्पोर्स होते हैं वो कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और मल्टीपल हो जाता है उनका, और फंजाई ब्रेड के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, जिससे इट टर्न्स इन ग्रे ग्रीनिश कलर। तो इसका आंसर देख लीजिए अच्छे से, द ब्रेड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन द एयर विच एनकरेजेस द मोल्ड स्पोर्स इन द एयर टू मल्टीप्लाई, एंड एज द फंजाई स्टार्ट ग्रोइंग ऑन ब्रेड इट टर्न्स इन ग्रे ग्रीनिश कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द, नहीं इसका 6th क्वेश्चन देखो पहले, राइट द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, क्या लिखनी है, इक्वेशन पेज नंबर 6। ये देखो जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो क्या है, क्या क्या यूज़ में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो पे लिखना है सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या बनता है, स्टार्च और ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन तुम्हें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में कैसे आते हैं वो लिखना है, पेज नंबर 10 और 11 पे है इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन में से लिखना है, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय लिख के, और पेज नंबर 10 बाय लिख के क्या लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, 3 पॉइंट है इसके, कीपिंग लैंड फेलो, सेकंड है क्रॉप रोटेशन, ये पॉइंट पॉइंट लिखना है ओनली, क्योंकि 20 वर्ड्स में ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। और नेक्स्ट है एडिंग फर्टिलाइजर, मतलब ये 3 पॉइंट के द्वारा हम वापस उसको सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं। लैंड फेलो का मतलब तो बता ही रखा था कि हम सॉइल को कैसे खाली छोड़ देंगे फील्ड को, दूसरा है क्रॉप रोटेशन, बदल बदल के क्रॉप को ग्रो करेंगे और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है 40 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर, व्हाई डज द पिक्चर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट
दो इट इज़ ग्रीन। पिक्चर जो प्लांट होता है वो इंसेक्ट्स को क्यों फीड करता है जबकि वो तो ग्रीन होता है, खुद फोटोसिंथेसिस करके फूड मेक कर सकता है। इसका आंसर है पेज नंबर 10 निकला। तो इसका आंसर देखिए आप सबसे ऊपर ही ऊपर, देर आर मोस्टली फाउंड इन मर्शी प्लेसेस विच आर डेफिशियंट इन नाइट्रोजन। कहाँ होते हैं ये पिक्चर प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट? मर्शी एरिया में, जहाँ पे एक दलदल वाली जगह होती है। इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड को इनको ज़रूरत होती है, इसलिए ये स्मॉल इंसेक्ट्स पे, दे डिपेंड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, और स्मॉल इंसेक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं। द इंसेक्ट्स आर किल्ड एंड कंज्यूम्ड फॉर देयर बॉडी, उन इंसेक्ट्स को किल करके बॉडी के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। ये बी का फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू मीन बाई हिटरोट्रॉप्सी? पेज नंबर 8 पे जो मैंने अंडरलाइन लगाई थी डेफिनेशन, वहाँ पे इसका आंसर है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी पीछे अपन टर्न करेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक साथ ही, फिर दोनों के देख लेंगे अपन। व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ये भी मैंने अंडरलाइन लगाई थी और इसके भी एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो 8 और 5 पेज नंबर पर मिलेंगे इनके आंसर्स 2 और 3 के। तो पहले 8 पेज नंबर निकालते हैं। ये रहा हिटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट साउंड फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, वह है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस से अपना फूड मेक नहीं कर सकता, बट ऑप्टेंट रेडीमेड फूड मेड बाई ग्रीन प्लांट्स। लेकिन क्या करता है, अपना फूड कहाँ से लेता है, ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एग्जाम्पल्स में लिख दोगे ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ऐसे ही अब ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बताना है हमें, वो पेज नंबर 5 पे है। ये रहा ऑटो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें एग्जाम्पल्स में क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल हेडिंग लिख के नीचे वाली लाइन में ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, ऑर्गेनिज्म को फूड की क्यों ज़रूरत होती है। तो ये एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो तुम्हें लिखना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स है, उसका फर्स्ट आंसर ये रहा, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, ये पूरा आंसर तुम्हें लिखना है। ठीक है, और ये 60 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना है तुम्हें, इसमें सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन करना है। कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। और एक कौन सा, एक डायग्राम बनाना है जो फोटोसिंथेसिस को शो करता है। ये पेज नंबर 6 पे है दोनों डायग्राम, वहाँ से तुम्हें इनको बनाने, और तुमने रजिस्टर बनाए होंगे तो उसमें वाइट पेज पे ये क्वेश्चन करना है। ये रहा, ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम ड्रॉ करना है तुम्हें, और ये स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।